brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अच्छा, कांग्रेसी विधायक सैनी हैं जो कि कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डमी है, पीछे से मनोहर लाल खट्टर ही हैं। हरियाणा के इतिहास में मनोहर लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि मैं तो उनके परिवार से आती हूँ, लेकिन वो तो 90 के 90 विधायकों की विधानसभा को साथ लेकर के चले हैं। आपने समदर्शी और पारदर्शी की बात की, आप ही की विधानसभा के बराबर में एक विधानसभा है NIT जो कि कांग्रेस विधायक हैं और वो लगातार सरकार पर मुखर रहते हैं कि उनके इलाके में काम नहीं हुए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया मनोहर लाल खट्टर जी ने, तो ऐसा क्या रहा कि लास्ट मोमेंट पर उन्हें हटाया गया, 6 महीने रह गए? आप लोग कांग्रेस को इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, कांग्रेस के बिना खैर BJP की शायद सरकार भी नहीं बनती दिखाई देती, क्योंकि पहले राव इंद्रजीत रहे, धर्मवीर सिंह रहे, इसके अलावा अब जो है अशोक तंवर को टिकट दिया गया है, जिंदल साहब को टिकट दिया गया है, रणजीत चौटाला को लाया गया है, तो क्या भाजपा का कैडर नहीं है इस काबिल कि उन्हें लोकसभा की टिकट दी जाए? आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा की नव नियुक्त शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, और बात करते हैं उनसे कि किस तरह की वो अब क्योंकि डिपार्टमेंट मिला है उन्हें शिक्षा का, तो किस तरह से वो उसको रन करेंगी। मैडम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। सबको राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद। लगता नहीं कि ज़्यादा देर हो गई डिपार्टमेंट मिलने में, मंत्री बनने में? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का शुक्रिया अदा करना की चाहिए और अपने शहर के तमाम निवासियों का। लेकिन जो देरी की बात आप कर रहे हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि हरियाणा के इतिहास में मनोहर लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि मैं तो उनके परिवार से आती हूँ, लेकिन वो तो 90 के 90 विधायकों की विधानसभा को साथ लेकर के चले हैं। आज अकेले वो हैं जिनको हम करनाल का मुख्यमंत्री नहीं बोल सकते, तो इसलिए देर और सवेर नहीं होती है कभी भी, लगातार काम जो है निरंतर चलता रहता है, और जब कोई मौका मिल जाए तो आपको उसमें अपना 100% जो है ना इनपुट देना चाहिए ताकि पब्लिक तक आउटपुट पहुँचे। क्योंकि काफ़ी समय से ये चर्चा थी, मतलब 1.5 साल से, कि रीशफल होगा, और अब वो हुआ है कि क्योंकि अब एक तरफ कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसके बाद लगभग 3 महीने बचेंगे इस सरकार के कार्यकाल पूरा होने में। मैं समझती हूँ कि आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता, वर्ल्ड लीडर अगर हम बोलें तो आज वर्ल्ड लीडर दुनिया में भारत में मौजूद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित हुए हुए हैं, और जब एक ऐसा व्यक्ति जिसका हर कोई दीवाना हो, जब वो किसी भी मंच से खड़े होकर हरियाणा की पॉलिसीज़ की बात करते हैं, जब वो किसी भी मंच से हरियाणा की पॉलिसीज़ की तारीफ़ करते हैं और आदरणीय मनोहर लाल जी की बहुत प्रशंसा करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो 90 दिन का कार्यकाल है हमारे पास, वैसे तो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट अभी है, फिर उसके बाद में हमारा विधानसभा का लग जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि जो मनोहर लाल जी ने पहले श्री रामबिलास जी को साथ लेते हुए, फिर आदरणीय कंवर पाल जी को साथ लेते हुए जो पॉलिसीज़ करी और जो पाइपलाइन में है, तो पहला प्रयास तो यही रहेगा कि उन्हें समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया मनोहर लाल खट्टर जी ने, तो ऐसा क्या रहा कि लास्ट मोमेंट पर उन्हें हटाया गया, 6 महीने रह गए कार्यकाल पूरा होने में सरकार के? मैं सोचती हूँ कि वो छोटे घर से बड़े घर में गए हैं, तो उनकी उपयोगिता वहाँ पर ज़्यादा। अगर मैं मनोहर लाल जी की बात करती हूँ तो स्वामित्व पॉलिसी लेकर के आए, टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी वो लेकर के आए देश में सबसे पहली बारी, और जो पौंड रिवाइवल स्कीम है हमारी हरियाणा में, तो 2017 से पहले शुरू करवा दी थी उन्होंने, तो अगर उनकी पॉलिसीज देखा जाए तो अभी देखिए देश में हर प्रदेश में 1,20,000 तक का व्यक्ति गरीब गिना जाता है। माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा की गरीबी की सीमा रेखा बढ़ा करके 1,80,000 करी, तो मैं सोचती हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने इतना काम किया है तभी मोदी जी की जबान पर उनका नाम रहता है। अच्छा, अब कैसे, कौन से काम हैं जो आपको लग रहा था कि विधायक बनकर आप नहीं करवा पा रही, मंत्री बनकर शायद आप करवा पाएंगी? मैं समझती हूँ कि क्योंकि हमारा नेतृत्व इतना पुख्ता रहा है कि हम जिसमें गैर BJP भी विधायक बने हैं उनमें भी अपनी सेवाएं पूरी दी गई हैं, क्योंकि मनोहर लाल जी की दो ही शब्दों में परिभाषित कर सकती हूँ, समदर्शी और पारदर्शी। समदर्शी और पारदर्शी के 10 साल देने में ये उन्हीं का श्रेय जाता है,
और फिर भी हर व्यक्ति जब जिम्मेवारी लेता है तो हर व्यक्ति का नज़र और नज़रिया अपना हो जाता है। तो मैंने जैसा कि कहा कि मेरा प्रयास यही रहेगा कि पहले तो वर्क इन जो हमारे पाइपलाइन में है उनको पूरा किया जाए, उसके साथ साथ कुछ डिमांड्स जो हैं साथ साथ बनी रहती हैं तो उनको प्रायोरिटी बेसिस पर देखा जाएगा। आपने समदर्शी और पारदर्शी की बात की, आप ही की विधानसभा के बराबर में एक विधानसभा है NIT जो कि कांग्रेस विधायक हैं और वो लगातार सरकार पर मुखर रहते हैं कि उनके इलाके में काम नहीं हुए। वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे भी हैं। और मैं ये बात कहती हूँ कि क्या होता है कि कभी कभी आदमी की राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं कि सब कुछ अच्छा हो भी रहा है पर मजबूरी है कहना कि नहीं हो रहा, एक ये मैं कहती हूँ। दूसरा क्या होता है कि जब आप एक ही परिवार से आते हैं तो आप ज़्यादा मेहनत करके दुनिया को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब आप अलग अलग परिवारों के हो जाते हैं तो लगता है कि चलो जी नाम तो सरकार का होगा। ये बात अच्छा, कांग्रेसी विधायक सैनी हैं जो कि कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डमी है, पीछे से मनोहर लाल खट्टर ही हैं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सिर्फ मनोहर लाल जी नहीं, हम संगठन में काम कर रहे हैं। और कांग्रेस इसलिए ऐसा बोलती है क्योंकि कांग्रेस के पास ब्लड लाइन का संगठन है और हमारे पास गुरु शिष्य की परंपरा है। हमारे पास पारिवारिक परंपरा नहीं है कि राजा का बेटा राजा हो, वो नहीं। हमारे पास परंपरा ये है कि द्रोणाचार्य का शिष्य आगे बढ़ेगा, तो हम गुरु शिष्य की परंपरा में आगे बढ़ते हैं। और उस परंपरा में अगर हम बोलें तो हम सभी को मोदी जी से भी जोड़ सकते हैं, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी जोड़ सकते हैं, आदरणीय आडवाणी जी से भी जोड़ सकते हैं। तो वो नायब सैनी जी अलग नहीं है, मैं भी उनमें से हूँ और बाकी हम सब एक परिवार के लोग हैं। आप लोग कांग्रेस को इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, कांग्रेस के बिना खैर BJP की शायद सरकार भी नहीं बनती दिखाई देती, क्योंकि पहले राव इंद्रजीत रहे, धर्मवीर सिंह रहे, इसके अलावा अब जो है अशोक तंवर को टिकट दिया गया है, जिंदल साहब को टिकट दिया गया है, रणजीत चौटाला को लाया गया है, तो क्या भाजपा का कैडर नहीं है इस काबिल कि उन्हें लोकसभा की टिकट दी जाए? मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि बहुत दुनिया को देखा है, वो जन्म किसी और माँ के उधर से लेते हैं, कोई और धर्म में जन्मते हैं, लेकिन ज़िंदगी के चलते चलते वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो मैं मानती हूँ कि आज कांग्रेस के सभी लोग ये सर्वसम्मति से मानते हैं कि मनोहर और मोदी की जोड़ी इतनी अच्छी है कि हम इनकी लीडरशिप में काम करना पसंद करेंगे, तो वो आए हैं तो स्वागत है। अगर राहुल जी और उनकी बहन प्रियंका जी भी आएंगे उनका भी स्वागत रहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, शिक्षा मंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे आप जो अभी तक आपको लगता है कि नहीं हुआ उस पर उतना काम जितना होना चाहिए था? मेरी नज़र में अभी यह, क्योंकि जब 2014 में BJP को मौका मिला तो स्कूलों की हालत बहुत जर्जर थी, और मैं सोचती हूँ बहुत सारा काम कंवरपाल जी ने और रामबिलास जी और मनोहर लाल जी ने किया है। मैं चाहूँगी कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पेंडिंग है वो और आगे बढ़ जाए, और इसके साथ साथ एक चीज़ का मैं विशेष आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहती हूँ, एक सोच का। ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल की सोच थी मनोहर लाल जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो पहले रहे, उस सोच ने कोरोना के दौरान, अगर आप देखेंगे, मैं पिछले 7 साल 6.5 साल मैं एजुकेशन और हेल्थ की चेयरपर्सन रही हूँ, कोरोना के बाद एकदम से 5 लाख स्टूडेंट्स का इजाफा हुआ सरकारी स्कूलों में। उसके मुख्य रूप से दो कारण थे, जो हमने CBSE के स्कूल बनाए, आज वहाँ पे बहुत सिफारिश लगने के बाद में भी एडमिशन होना बहुत टफ हो गया कि सीट्स कम है, बच्चे डिमांड बहुत है, हालांकि हमने भी ये सोचा कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ कोरोना के जो 2 साल निकले, 2.5 साल, तो लोगों की जेब पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, और वो भी एक बड़ा कारण बना। तो इन दोनों कारण की वजह से लोगों का विश्वास जो है सरकार की व्यवस्था पर अधिक पड़ा, और उसके कारण जो है मैं सोचती हूँ और बेहतरी हुई। लेकिन इसको और आगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, सैचुरेशन नहीं होती है,
तो जो जो आगे सुझाव आएंगे, जैसे जैसे निर्देश भी आएंगे, तो दोनों को समावेश करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, जो कह रही थी कि बीजेपी के कार्यकाल में, पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में शिक्षा जगत में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन जो लगातार जो बेहतरी की गुंजाइश है वो लगातार बनी रहती है और इसी को लेकर वो आगे बढ़ती रहेंगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।